आमिर साहब मुझे ये बताइएगा, अभी वीकेंड गुजरा, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे और शायद ख्वाहिशात में से भी एक था कि शायद हमारी इकोनॉमी को लेके, हमारे मामलात को लेके या अवामी मसाइल को लेके कोई बाजगश्त होती, कोई खबर होती, कोई खैर खबर हमारे सामने आती, मगर ये तो आपस में इन्होंने एक कबड्डी शुरू की हुई है और सियासी मसाइल के ऊपर ये कबड्डी है सारी की सारी। जी मुझे लगता है कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये जो दो तीन साल से बहराम चल रहा है, कश्मकश की सूरत हाल है सियासी, ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, कटी कट्टा जो है ना, कोई एकदम से ये बिल्कुल हालात में तनाव बहुत जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ सलूशन निकालना पड़ता है, क्योंकि मईशत के लिए ज़रूरी है, बका के लिए ज़रूरी है, मुल्क को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हालात उस नहज पे पहुंच गए हैं कि जो सियासी रसाकशी है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे जो है, एक अच्छी बात ये है कि आईपीपी से रिलेटेड जो एक इशू आया हुआ है तो उसकी वो एक सलूशन है कि अगर उस मसले का हल निकाल लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। हमारा आम आदमी भी जो है, जो कि उसको अगर आधी कीमत पे देखें ना, बिजली 60 की बजाय 30 रुपए की मिल जाए पर यूनिट, आधा बिल हो गया, आधे से भी कम हो जाएगा, तो आम आदमी को भी आ जाएगी बिजली सस्ती होगी तो उसका ना सिर्फ के बिल कम आएगा, उसकी मईशत बेहतर होगी। एग्जैक्टली फिर मईशत जो है जब आधे कीमत पर आएगी तो वो भी खड़ी होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उनकी जो प्रोडक्शन प्राइस है वो कम आएगी और सारा कारोबार चल पड़ेगा। तो सो एक मसला है, मगर मुझे लगता है क्योंकि आईपीपी का इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है कि इसके अंदर, क्योंकि अब सबसे बड़ा प्लेयर, जो सबसे बड़े इसके फैक्ट्री हैं आम सारिफ आम आदमी के अलावा, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, वो सनतकार हैं, वो खड़े हो गए हैं कि जनाब हम कारोबार कर नहीं सकते हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आम आदमी तो बेचारा पिछले 30-40-50-75 साल से इग्नोर हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको 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 हाईजैक हो के उसके नुमाइंदे वो जो माशाल्लाह खुद भी इलेक्ट करते हैं वो उन्हीं पावर लॉबीज के बंदे होते हैं जो उसकी बात नहीं करते, वो इग्नोर होता है। सनतकार इग्नोर नहीं हो सकते और सनतकार इस वक्त एक नहीं है, पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तंजीमें हैं तमाम ही इस वक्त देखें ना, FPCCI सबसे बड़ी है, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके बाद हर शहर की जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, वो सब ने जो है वो इकट्ठे हो गए हैं कि जनाब इस मसले का हल निकाले। उनके साथ एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल्स, चमड़ा, सारे जो सनतकार पाकिस्तान का, उन्होंने कहा जनाब ये 30 साल से वो भी बर्दाश्त कर रहे थे और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है इसकी वजह से थोड़ा सा जो सियासत के अंदर भी जो एकदम से गर्मी आई है ना, वो जो है ना वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसकी अगर तफ्तीश होगी, हल निकलने से पहले इसकी तफ्तीश होगी और हालात तफ्तीश की तरफ जा रहे हैं। तफ्तीश से मुराद है ऑडिट होगा, सेनेट भी की कमेटी जो मोहसिन अजीज साहब काम कर रहे हैं उधर से भी जोर लग रहा है, इधर से भी इनकी डिमांड है। तो ये जो जोर लग रहा है ना, तफ्तीश से क्या होता है, बड़े बड़े नाम आते हैं, पाकिस्तान के तमाम ही पावर ब्रोकर आते हैं, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और उनके परवरदा जो लोग हैं वो उनके नाम आते हैं। अब वो बचाने के लिए ना ढाल लेती हैं, उसकी मैं वजह बता देता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं देना चाह रहा, उसकी वजह ये है कि PTI आप देखें ना, एकदम से दोनों सारी पार्टियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। PTI का तो समझ आता है वो तो दीवार के साथ लगे हुए हैं, वो मजीद कह रहे हैं कि जनाब ये बहाने बना के हमें बैन करना चाह रहे हैं। असद कैसर साहब की भी एक बयान पड़ा हुआ है कि जनाब ये हमें ना दोबारा बैन करना चाह रहे हैं, पोलिटिकली करना चाह रहे हैं, अगर लीगली नहीं भी कर सकते, ग्राउंड बनाई जा रही है, मगर उनकी तो चले समझ आती है, मुझे नून लीग की नहीं समझ आती, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की समझ नहीं आती। एग्जैक्टली मैं भी उधर ही आ रहा था, मगर ख्वाजा आसिफ साहब से पहले जरा गौर करें ना, पिछले हफ्ते के अंदर और खासतौर में वीकेंड में जब हमारा प्रोग्राम नहीं था, नवाज शरीफ साहब का एकदम बड़ा रिएक्शन आया कि देखें ये क्या, मखसूस रिश्तों के हवाले से बड़ा उन्होंने भी अदालतों की जो है ना लेते की, उसके बाद मरियम बीबी जो है उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में अदालतों का के मखसूस रिश्तों का, और भाई खुदा का करो मखसूस रिश्ते वैसे ही इखलाकी तौर पर आपको अच्छा नहीं लगता जिस तरह का आपने उनको इलेक्शन लड़ा है कि फॉर्म 45 का और ये बाकी चीज़ें जिस तरीके से बल्ले का निशान लेके उसके बाद है, ये उनका हक है। आप वैसे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा शुरू में कि जनाब ये इनका हक है इनको दें, तो वो उसके ऊपर जो इखलाकी तौर पे भी एक मुनासिब बात है कि किसी की सीटें हैं वो पहले मुतरासिब नुमाइंदगी के अंदर उनका बनता है, तो अगर, मगर ये इस फैसले से नहीं डरे, ये इस फैसले से डरे हुए
हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, कि अदलिया इनको नजर आ रही है कि जिस तरह पहले इनके काबू में थी या दूसरी पार्टी के इनका तासुर था। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कहते हैं जी अदलिया बड़ी अच्छी है, अदलिया बड़ी नेक है और अदलिया हर दौर में अच्छी रही है, हम जसारत नहीं करते। मगर ये लोग पॉलिटिशियंस जो हैं जो इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो ये इस तरह के फिर ये इस तरह के बयान आते हैं सख्त किस्म के। हाँ। तो जो इनकी तरफ से आए हैं इनको दो तीन डर हैं, मैं समझता हूँ। एक तो इनको डर है कि ये 45 फॉर्म वाला, एक तो अगर ये कट्टा खुले, ये कट्टा खुले और ये क्योंकि ट्रिब्यूनल जिनके खिलाफ उस सूरत हाल पे जा रही है कि पंजाब के अंदर भी वो जो ये पहले कोशिश की थी रिटायर्ड जजेस लगाने की, वो जो है वो इनकी कारगर नहीं हुई तो वो रिवर्स होता नजर आ रहा है। और ये अगर ट्रिब्यूनल्स बन गए और उन्होंने अपनी स्पीड पे काम शुरू कर दिया तो जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फैसला बिल्कुल एक आखिरी दमों पर आया हुआ है, वो ये एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि वो होता है नहीं होता। तो वो एक खतरा है कि नवाज शरीफ को अपना खतरा है ना, उनके उनका अगर खुल जाता है तो आप देखें थ्री टाइम का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इतने कद आवर शख्सियत और एक ही सीट और एक सीट पे, वहां पे वो पतंगी आप सुनी चुके हैं सरवर बारी साहब जी के 30,000 वोट जो हैं वो सूबाई असम्बली में वो सिर्फ नेशनल असम्बली में डाल के चला गया, सूबाई के जेब में डाल के ले गया, 30,000 बंदे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो इतने मजका खेज तरीके से उनकी वो जो की गई है ना कारीगरी, मतलब वो तो मुझे लगता है नवाशी के खिलाफ बेचारे के खिलाफ साजिश हुई। एनीवे एक उनको फॉर्म 45 का खतरा है, दूसरा मैं समझता हूँ कि ये जो आईपीपी की तफ्तीश है ये नहीं होने देंगे, ये इनको जो मुसीबत पड़ गई है और आईपीपीज में क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इनको लगता है कि ये बड़े ताकतवर हैं ये करवा लेंगे, ये शोर उस पर मचा रहे हैं, उस पर आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ जी। अब ख्वाजा आसिफ साहब का वो जो कहते हैं ना द स्ट्रेंज केस ऑफ ख्वाजा आसिफ, वो ये है कि उन्होंने एक बड़ी मीनिंगफुल सी ये की है। पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मुझे जुडिशल मेल्टडाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम से उनको जो ख्वाब आने शुरू हो गए ना, जाहिर है पुराने सियासतदान हैं, घाघ सियासतदान हैं, कान और इनके लगे होते हैं जमीन के साथ, इस वक्त वजीर दिफा भी हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कोई ख्वाब आ रहे हैं ना कुछ इतलाएं आ रही हैं जिसके ऊपर पहले मेल्टडाउन का कहा, फिर उन्होंने ये जो ट्वीट की है ये जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे कि आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी शोज हो रहे हैं, कब नहीं हुए, हमेशा ही हुए, हमेशा होते हैं। तो इन आपके अपने भी तीन तीन चार चार होते हैं, उनके भी एक दो हो जाते हैं। वतन अजीज के शासन ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया, अगर आप मेरी मदद फरमा दें आप बड़ा बेहतर पढ़ लेती हैं। इन हादसात के नतीजे में जमहूरियत सेटअप बदलते हैं जो कि इंतखाबात की प्रोडक्ट नहीं होते, कभी वो बज़ाहिर इंतखाबात के इनकाद के लिए होते हैं, कभी वो गैर महीना मुद्दत के लिए हो जाते हैं। इन हादसाती हुकूमत सेटअप्स ने सियासतदानों टेक्नोक्रेटों और बिजनेसमैनों की ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो हर वक्त किसी हादसे के इंतजार में शेरवानी सलवार के तलवार तैयार बैठे होते हैं। जब हालात बेयकीनी होती है वो नई सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंसें टीवी पे मुंह दिखाई की भरमार शुरू कर देते हैं, किबला रुख पिंडी की तरफ कर लेते हैं। अब साथ में उन्होंने इफ्तिखार आरिफ की 12वां खिलाड़ी नजम पेश किया, मगर और तो कोई ये दुहाई दे, ख्वाजा आसिफ किस मुंह से ये दे रहे हैं, ये वारदात खुद तीन चार दफा 1985 से लेके इसी वारदात के जरिए आते रहे हैं ना, 1988 में ये लोग इस वारदात में शामिल थे, 1990 में बीबी की हुकूमत फारिग की, फिर उसके बाद 96-97 में बीबी की हुकूमत यही प्लेयर्स के साथ, हमें तो बता भी दिया था कि बीबी फारिग हो रही हैं, लगारी साहब से हमारी बात हुई और पावर में भी आ गए, फिर बाद में भी 2008 के अंदर भी आए, फिर 2000 जो है अभी रिसेंटली भी 2.5 साल पहले आए। तो खुद शेरवानियाँ सला के ख्वाजा आसिफ साहब बैठे होते थे और इस दफ़ा भी उसी शेरवानी इसी वारदात के जरिए आए हैं और बड़ी कन्वीनियंटली दूसरों में शामिल होकर अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैं अब उनके अल्फाज में वो शर्म या वाली बात तो नहीं कर सकता, मगर ये है, मगर एक तो अखलाकी पहलू है, एक हंसी भी आती है इसके ऊपर, थोड़ा सा रोना भी आता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये क्या बात कर रहे हैं, फॉल द पीपल। दूसरा कि जी किबला रुख पिंडी की तरफ होता है, हाँ। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये पिंडी के खिलाफ इशारे जो दे रहे हैं, वजीर दिफा हैं, पिंडी के तर्जुमान हैं आप देखें, और इनकी हुकूमत है यहाँ पे जो है जो कि माइनॉरिटी में बनाई गई है, बड़ी मुश्किल से बनवाई गई है,
पंजाब में इनके पास हुकूमत है, वो दूसरे तो लेते हैं। ये पिंडी के तरफ ये कह रहे हैं कि जी इसके अंदर जो इन्होंने तशवीश का शक का इजहार किया है कि ये करवाई जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें, तो मैं सोचता रहा कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि इनको जो है गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं और जो ये इसकी आई है ना उस पर इनकी जान निकली। खाजा साहब का क्या लेना देना आमिर साहब, ये गौहर एजाज साहब वाले मामले से उनका क्या ताल्लुक है? दैट इज़ द क्वेश्चन कि ख्वाजा साहब का, जो मैं पहले डायरेक्टली बताता हूँ फिर ओवरऑल बताता हूँ। ये आईपीपी का मामला हम आपको पता है पिछले 10-20 साल से ये रो रहे हैं, हमारी नहीं सुनी गई जिस तरह आवाम की नहीं सुनी गई। हम ले लेके यार कैपेसिटी चार्जेस, लोग कहते हैं यार क्या कैपेसिटी चार्जेस, क्या कैपेसिटी। अब बच्चे बच्चे को पता चल गया कि कैपेसिटी चार्जेस है क्या, कि जनाब बिजली बनाई नहीं और पैसे लिए जा रहे हैं और जो पैसों लेने के फिगर्स हैं वो इतने खौफनाक हैं कि बिजली की जो कीमत ज़्यादा है 1200 अरब रुपये की बिजली आवाम को 3100 अरब में मिल रही है। 1200 अरब की बिजली आवाम को 3100 में तीन गुना ज्यादा कीमत पे मिली। ये तो मोटा मोटा फिगर है, मगर उसके पीछे अब जो इनके ख्वाजा आसिफ साहब का दो तीन चीजें, एक ये कि उस पर आएंगे कि याद हो, आपको याद होगा कि 2013 के अंदर जब ख्वाजा आसिफ साहब ये गवर्नमेंट आई तो ये बाद में गालबन वाटर एंड पावर के वजीर लगे थे, उस वक्त ये पेश थे कि उनको आईपीपीस को ना एक दफ़ा मसले का हल करें, इनके जो ड्यूज़ हैं वो दे दें। 480 अरब रुपया अनऑडिटेड एक ही रात में यहाँ पे वो ऑडिट वाले चीख पड़े। उन्होंने कहा जनाब ये आप देखें, रातों रात फाइनेंस मिनिस्ट्री, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री, किसी ने किसी की वो सबकी, सबने कहा दे दें और जल्दी से दे दिए गए एक ही रात में। आप प्री ऑडिट नहीं हुआ, पोस्ट ऑडिट नहीं हुआ और वो टेकअप पीएससी के अंदर केस किया गया, मगर पीएससी भी क्योंकि अपनी थी, मिली जुली थी, पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर उसका कुछ नहीं बना। उसके अंदर पेश ये थे। अब ख्वाजा साहब की खबरें आ रही हैं कि मुबैना तौर पे ख्वाजा साहब की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, मिला जुला आ रहा है, कहीं आ रहा है कि हिचेज हैं नहीं हैं, तो उनकी भी एक आ रही है रिपोर्ट कि एक उनके भी एक आदि कंपनी के अंदर शेयर्स हैं डायरेक्टली। अच्छा, दूसरा उनके मियां मोहम्मद मंशा से बहुत अच्छे तलुकात हैं और मैं ये बता सकता हूँ कि उनके साथ दादे को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, पुत्र नूं ज़रा यदि ग्रूमिंग करो, ग्रूमिंग इज़ द वर्ड, तो वो पता नहीं क्या ग्रूमिंग से क्या मुराद है। तो ये काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं ये इनके हैं, मगर डायरेक्टली जो है ये इसके अंदर तमाम ही ये टू बी ऑनेस्ट टू बी फेयर, ये जो 30 साल से सिलसिला आईपीपीस का जारी है इसमें तमाम ही हुकूमतें शामिल रही हैं। ये शुरू पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, उस ज़माने में बहुत महंगे पावर प्लांट लगाए गए, उसके बाद ये नून लीग की 3 गवर्नमेंटें इसके अंदर शामिल हैं जो कसूरवार लेती रहीं और क्रेडिट लेती रहीं।